बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से झारखंड पीसीएस परीक्षा को लेकर। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन करेंगे कि चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों आप सभी को पता है कि पीसीएस परीक्षा जो है 17 मार्च को प्रस्तावित थी, ठीक है। एडमिट कार्ड रिलीज किए गए थे, काफी सारे एडमिट कार्ड्स में त्रुटियां आई थी और अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग लगातार मना कर रहा था कि भैया हम 17 मार्च को ही परीक्षा कराएंगे। और इसी को लेकर दोस्तों आज यहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट आई है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ खबरें आप लोगों के लिए देना जरूरी था। और मैं एक चीज निवेदन करूंगा, ठीक है, हाथ जोड़कर जितने भी झारखंड पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड पीसीएस की परीक्षा स्थगित हो और थोड़ा टाइम मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ईमानदारी से, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपका अपना चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू दे रहा है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए सूचना को देखते हैं। आज बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग गए थे और अपने ज्ञापन को सौंपे हैं। उनको कहा गया है कि कल तक आपको जो भी होगा अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वेट करेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना चाहिए।